सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री सावरिया सेठ नर्सरी। आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पॉइंसेटिया के ग्रीन लीफ को रेड लीफ में कन्वर्ट कैसे करें। जैसा कि विंटर सीजन आ गया है, दिसंबर सीजन स्टार्ट हो गया है, हर पॉइंसेटिया प्लांट में ग्रीन जो लीफ होती हैं रेड लीफ होने लगती हैं, बट आपके प्लांट में अभी तक रेड लीफ नहीं हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन केवल छोटा सा है। ये जो है एक शेमी शेड प्लांट है और इसे डार्कनेस और सर्दी काफ़ी बढ़िया लगती है, इसी कारण से जो है कि सर्दियों के टाइम इसके ग्रीन लीफ रेड लीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको इसका सॉइल मिक्सचर प्रॉपर वे में बनाना है। इससे जो है कि एक हल्की मिट्टी की ज़रूरत होती है सॉइल मिक्सचर की। तो आपकी इसका जो सॉइल मिक्सचर बनेगा उसमें आपको कोकोपीट, काउडंक, सिंडर और नॉर्मल गार्डन सॉइल, ये तीन से चार चीज़ें मिक्स करके आपको इसकी सॉइल मिक्सचर बनाना है। और जैसा कि ये शेमी शेड प्लांट है, हर कोई जानता है, तो इसे जो है कि 7 से 8 घंटे की डार्कनेस में, जहाँ पे बिल्कुल भी सूरज की रोशनी ना पड़े, ऐसी जगह पे रखना है। तो जैसा कि लोग बोलते हैं कि प्लांट जो है कि अंदर नहीं रहते हैं, बट ये है कि ऐसा प्लांट है, आप इसे अंधेरी वाली जगह पे रखें। ऐसा नहीं कि वहाँ पे फ्रेश एयर ना आए, फ्रेश एयर आनी कंपलसरी है, इसलिए ऐसी जगह पे रखें जहाँ फ्रेश एयर भी आए और डार्कनेस भी रहे। आप जो है कि ऐसा कर सकते हैं, सुबह 8 से 9 बजे से लेकर तो शाम को 3-4 बजे तक इसे लाइट में रखें। उसके बाद नाइट के टाइम इसे जो है कि ऐसी डार्कनेस जगह पे रखें जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा हो, जगह जो है ठंडी हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो है कि गर्मी पड़े, गर्मी के कारण ये जो है पत्ते जल जाते हैं इसके, और अगर इसे आप धूप में रखते हैं तो भी इसके पत्ते जल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहे। जब आप इसे अंधेरी जगहों पर रखेंगे तो आपको 3 से 4 दिनों में रिजल्ट दिखने लगेगा, इसके लीफ जो है ग्रीन से रेड होने लगेंगे और आपका जो है कि पॉइंसेटिया ग्रीन टू लीफ हो जाएगा। और जैसा कि दिसंबर मंथ में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, इसका अल्टरनेट नाम क्रिसमस प्लांट भी है, क्योंकि क्रिसमस के सीज़न पे काफ़ी तादाद में ये लगाया जाता है और इसकी खूबसूरती इसके पत्तों से झलकती है, क्योंकि इसमें फूल नहीं खिलते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसकी प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।